हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में भी मैं आपको तीन अलग अलग तरह के लाइंस बनाना सिखाऊंगी। अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इनमें से ही होंगी वो तीन लाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। आज मैं आपको डायगोनल लाइन के बारे में बताऊँगी। ये लाइन बनाने में आसान होती है, इसमें करना कुछ नहीं। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ही बनाई जाती है, लेकिन इसका एंगल थोड़ा टेढ़ा होता है। यानी कि ये 45 डिग्री पे बनाई जा सकती है, ये 30 डिग्री पे बनाई जा सकती है, 60 डिग्री पे बनाई जा सकती है। और इसे एक एंड से पकड़ना है और दूसरे एंड तक जाके फिनिश कर देना है। ये बनाने में काफ़ी ईजी होती है। देखिए, मैं आपको ये बना के दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, इस लाइन को भी मैं चाहूँगी कि आप कम से कम 20 बार बनाएं, या जब तक आपकी फिनिशिंग नहीं आती है तब तक तो इसको बनाने की कोशिश करते रहें। है नहीं ये आसान सी लाइन? तो चलिए अब आगे वाली लाइन बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब जो हम लाइन बनाएंगे उसको कहते हैं कंटिन्यूअस लाइन। कंटिन्यूअस लाइन वो लाइन है जो एक सिंगल अनब्रोकन लाइन है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं और जब तक वो इमेज नहीं बन जाता तब तक हम उस लाइन को ब्रेक नहीं करते हैं। यानी कि आपको पेंसिल से एक बार जब बनाना स्टार्ट करना है तो उस लाइन को तब तक ड्रॉ करते जाना है जब तक कि आपकी पूरी प्रॉपर इमेज नहीं बन जाती। देखिए, इस तरह से मैं इस ड्राइंग को इस बना रही हूँ, इस इमेज को बना रही हूँ। आप इसको फॉलो कीजिए। मैंने एक पॉइंट से पेंसिल उठाया है, ड्रॉ किया है और इसको मैं कंटिन्यूस आगे अलग अलग पैटर्न बनाने में यूज़ कर रही हूँ। आप देखिए ये मैं कैसे बना रही हूँ। कंटिन्यूस लाइन के थ्रू आप किसी भी तरह का इमेज बना सकते हैं। आप फ्लावर पैटर्न बना सकते हैं, पोर्ट्रेट बना सकते हैं, जानवरों के चित्र बना सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि आपकी जो लाइन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। ये अनब्रोकन लाइन है, इसीलिए इसको कंटिन्यूस लाइन कहते हैं। और एक बार पेंसिल उठा के जब हम बनाना शुरू करते हैं तो इस ड्राइंग को ख़त्म करने के बाद से ही इसकी लाइन को ब्रेक किया जा सकता है। स्टार्टिंग में आप रैंडम पैटर्न बना सकते हैं, जैसा कि मैं अभी बना रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। आप किसी भी शेप एंड साइज़ में ये बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप कीजिए। धीरे धीरे फिर आप इससे अच्छी पोर्ट्रेट्स और ड्राइंग्स भी बनाना सीख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कंटिन्यूस लाइन और ये भी काफ़ी आसान थी। लगी ना आपको आसान? तो चलिए अब हम नया एक लाइन सीखते हैं जिसको कहते हैं डायरेक्शन लाइन। और ये लाइन भी काफ़ी इजी है, कभी कभी 3D इफेक्ट डालती है और ये एक डायरेक्शन में होता है। तो चलिए अब स्क्रीन पे देखते हैं। ये है हमारा अल्टरनेटिव लाइन और डायरेक्शनल लाइन। फ्रेंड्स, डायरेक्शनल लाइन वो लाइन होती हैं जिनको किसी खास डायरेक्शन में बनाया जाता है। देखिए, अभी मैं एक डायरेक्शन में बना रही हूँ और अभी जो नीचे वाली लाइन में बना रही हूँ ये जस्ट उसके अपोजिट की डायरेक्शन है। और जब इसमें लाइंस बनाई जाती हैं तो वो किसी खास डायरेक्शन को ही फॉलो करती हैं। एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन या एक लाइन के आजू बाजू दूसरी लाइन उसी डायरेक्शन में चलती हैं जिस डायरेक्शन में पहली वाली लाइन चलती है। ये देखिए, मैंने ऑल्टरनेटिव किया है। पहले जो लाइन बनाया मैंने वो उसको मैंने फिर थर्ड लाइन में बनाया है और जो सेकेंड लाइन में जिस डायरेक्शन को मैंने यूज़ किया है उसको फॉलो किया है अपने फोर्थ लाइन में। और ये एक अलग तरह का पैटर्न बना रहा है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अल्टरनेटिव लाइंस का एक वेरिएशन बताती हूँ। अब पैटर्न सेम देख रहे हैं लेकिन इसमें सिर्फ मैं चेंजेस ये कर रही हूँ कि सेकेंड लाइन को, हर एक सेकेंड लाइन को, यानी कि सेकेंड लाइन, फोर्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, एट लाइन, ये सबको मैं 6B पेंसिल से थोड़ा सा डार्क और थोड़ा थिक बनाऊँगी। वो लाइन थिक हो जाएंगी और देखिए इसका कितना अच्छा इफेक्ट आता है। बहुत बढ़िया 3D इफेक्ट आएगा
आप देखिए ये कैसे बन रही है। देखा ना आपने कैसे इसका थोड़ा सा वेरिएशन लाने पे कैसे उन्हीं चेंज हो गया। ये सो जैसी लग रही है और पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो डायरेक्शनल लाइन ऐसे बनाई जाती है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और अलग अलग शेप और साइज़ में बनाएं। फ्रेंड्स तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। ये मैं डायगोनल लाइन से बना रही हूँ एक ड्राइंग, और ये मैं पूरा का पूरा मैंने ड्राइंग को डायगोनल लाइन से बनाया है। फिर मैंने इसमें थिन और कुछ फाइन लाइंस के थ्रू इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स डालने की कोशिश की है। ये देखिए, ये जो अभी दिख रहा है वो केवल और केवल डायगोनल लाइन है। फिर अभी जो दिख रहा है इसे मैंने फाइन लाइन यूज़ करके कुछ शेड किया है। इसके बाद देखिए ट्रीज़ को और ज़्यादा डार्क और फाइन लाइन बना के ट्रीज़ को इफ़ेक्ट दिया है। ये देखिए ये पूरी ड्राइंग कैसी दिख रही है। साइड में ग्रास भी है, रोड भी दिख रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है ट्रीज़ के। ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ लाइन है। इसमें मैंने 2B पेंसिल से लेके 6B पेंसिल का यूज़ किया है, और देखिए कितनी खूबसूरती दे रहा है। और लाइन से भी काफ़ी खूबसूरत पोर्ट्रेट्स और सीनरीज बनाए जा सकते हैं। आप भी बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स अब जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एग्जांपल है कंटिन्यूस लाइन का। इसमें हर एक ड्राइंग में, हर एक शेप में एक कंटिन्यूस लाइन से ही बनाया हुआ है। आप देखिए लिप्स से लेके पूरे चेहरे तक को एक लाइन से बनाया गया है। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा रही हूँ। अब मैं कंटिन्यूस लाइन से एक ड्राइंग बना रही हूँ, जिसमें मैंने पेन को पहले ऊपर लाया है और अब सेम मैंने कंटिन्यू उसी लाइन को नीचे लाते हुए एक लीफ बनाने की कोशिश की है। ये एक बनाना लीफ है, और देखिए धीरे धीरे ये पूरी तरह से बनाना लीफ का शेप ले लेगा। इसी तरीके से आप कई फ्लावर्स और पेटल्स और लीव्स बना सकते हैं, और भी कई तरह के ड्राइंग बना सकते हैं। तो बनाइए और मुझे बताइए। फ्रेंड्स अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एग्जांपल है डायरेक्शन लाइन का। इसमें डायरेक्शन लाइन को यूज़ करके ये 3D इफेक्ट वाली एक इमेज बनाई गई है। इसे सिर्फ पेंसिल से बनाई हुई है और बहुत ही सिंपल है। आप इसको देखिए, फॉलो कीजिए और बनाइए, और 3D इफेक्ट का मज़ा लीजिए। 3D पेंटिंग इसी टेक्निक्स को यूज़ करके बनाया जाता है, और ये सारी की सारी लाइन से ही बनी हुई हैं। तो मैं चाहूँगी आप ऐसे ही ड्राइंग्स बनाएं, इन तीनों लाइंस को यूज़ करके बनाएं और मुझे दिखाएं और कमेंट करें। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।